Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम में जा रहे हो, वाया शांति धाम जा रहे हो। यही तुम्हारी सब लक्ष्य है, यह तुम्हारा लक्ष्य है। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है सुख धाम और शांति धाम में जाना। प्रश्न है, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? तुम बच्चे साक्षी होकर कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर है, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन चल रही है। पूरा दुनिया में दुख का सीन चल रहा है। अगर किसी को सुख है तो भी थोड़े समय के लिए, कागविष्ठा के समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड सृष्टि का चक्र फिरता जा रहा है। एक दिन न मिले दूसरे से, सारी दुनिया का एक्टिविटी बदलता जा रहा है, नई सीन चलती जा रही है। आज बाबा डबल ओम शांति कह रहे हैं। ओम शांति। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं, दूसरा बच्चों को भी कहते हैं कि अपने स्वधर्म में टिको, बाप को याद करो। दोनों बाप क्या बोल रहे? ओम शांति, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा क्या बोलते हैं कि अपने धर्म में टिको, कि मैं भी शांत स्वरूप हूँ। और दूसरा शिव बाबा जो शांति का सागर है, और कोई ऐसे कह ना सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है ना कि हम शांत स्वरूप आत्माएं हैं? निश्चय बुद्धि विजयंती होते हैं, वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? काहे की विजय पाएंगे? बाप के वर्षे की। स्वर्ग में जाना यह है बाप के वर्षे की विजय पाना। स्वर्ग में जाना ही हमारे लिए विजय है, बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ करना। यहाँ आ गए तो स्वर्ग में जाना है, लेकिन ऊंचा पद पाने के लिए फिर तैयारी करना है। स्वर्ग में जाना तो जरूर है, बच्चे जानते हैं यह छीछी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। अभी देख रहे हैं कितना दुख बढ़ रहा है, फिर से लॉकडाउन होने जा रहा है, फिर से होने जा रहा है, इतना पेशेंट बढ़ रहा है। तो बाबा कहता है ये दुनिया है ना दुखों में आने वाली, और ज्यादा दुख बढ़ने जा रहे हैं। ड्रामा के चक्र को तुम जानते हो, अनेक बार बाबा आया हुआ है, पावन बनाकर गया है, इसलिए चिंता नहीं करना है। आत्माओं को तो मच्छर के समान ले जाएंगे बाबा, फिर खुद भी निर्वाण धाम जाकर निवास करेंगे। बाबा तो शुरू से ही बोल रहा है कि मच्छर की तरह क्या करेंगे, आत्माएं उड़ेंगी, तो वो उड़ रही हैं। बच्चे भी जाएंगे, तुम बच्चों को यह खुशी होनी चाहिए ना कि इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम जाएंगे और शांति धाम जाएंगे। यह है तुम्हारा लक्ष्य, यह भूलना नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो, हमको पति से पावन बनने के लिए बाप पढ़ाते हैं, पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं। याद करो, मुझे याद करो, यह भी नई बात नहीं है। भक्ति मार्ग में भी तो भगवान को याद करते थे, लिखा हुआ है भगवान ने राजयोग सिखाया, सिर्फ भूल कर यह कर दिया गया है कि कृष्ण का नाम याद करने लग पड़े हम लोग। तो ऐसे भी नहीं कि बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी, नहीं। यहाँ जो नॉलेज मिल रहा है खुद को तैयार करने का नॉलेज मिल रहा है, आज जो शास्त्रों में वो किसी न किसी का गुण बताया गया कि वो ऐसे करके गया, वो ऐसे करके गया, ये नहीं बताया गया कि हम लोग ऐसा करके गए हैं। तो बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा यहाँ नहीं हो रही है, नहीं है, जैसे बाप की महिमा है। बाप ना आए तो सृष्टि का चक्र फिरे ही ना, दुख धाम से सुख धाम बने कैसे अगर परमात्मा ना करे तो। सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है, बाप को जरूर आना ही पड़ता है। बाप आते हैं सबको ले जाने के लिए, चक्र फिरता है। बाप ना आए तो कलयुग से सत्युग कौन बनाएगा? बाकी ये सब कोई शास्त्रों में नहीं लिखा है, राजयोग है ही गीता में, राजयोग केवल गीता में लिखा हुआ है। अगर समझे भगवान आबू में आया तो एकदम भागे मिलने के लिए, अगर एकदम साक्षात रूप में भगवान दिखने लगे सबको तो लोग तो भागना शुरू कर देंगे कि चलो भगवान का दर्शन तो हो जाएगा ना। लेकिन भगवान क्या कर दिया, अपने आप को इतना गुप्त कर दिया कि लोगों को पता ही नहीं पड़ रहा। सन्यासी भी चाहते है ना भगवान से मिले, पतित पावन बच्चे पतित पावन को याद करते वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, जहाँ अथाह सुख होगा। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म है ना वह अभी नहीं है, बाप दैवी राज्य की स्थापना करते हैं ब्रह्मा के द्वारा, यह भी क्लियर है, अभी समझ में आ रहा है। जैसे उसमें कहा गया कि कृष्ण के द्वारा गीता का ज्ञान दिया गया, नई सृष्टि को लाया गया, तो फिर यहाँ जो कहा जाता कि ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना हुई तो फिर झूठ हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर बाबा क्या कर रहा, एक एक चीज क्लियर कर रहा कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य इस संगम पर कर रहा और फिर सतयुग में कृष्ण का राज्य चलेगा। तो एकदम क्लियर बाबा समझा दिया, यह तो क्लियर हो गया ना। तुम्हारा लक्ष्य अब ये रह गया कि हमें कृष्ण के डायनेस्टी में जाना है, ऊंचा पद पाना है। अब इसमें संदेह की तो बात नहीं रही ना, आगे चलकर समझ जाएंगे राजधानी जरूर स्थापन हो रही है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इसका नाम ही है भारत, जब फिर तुम नर्क में भी आते हो तो इसका नाम हिंदुस्तान हो जाता है, भारत से हिंदुस्तान हो जाता है, क्योंकि टुकड़ा टुकड़ा हो गया ना भारत। यहाँ कितना दुख ही दुख है देखो, फिर यह सृष्टि बदलती है, स्वर्ग में सुख धाम में बदल जाएगी। यह नॉलेज तुम बच्चों को है, दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानता। बाप खुद कहते हैं अभी है अंधियारा रात, रात में मनुष्य धक्का ही खाएगा ना, क्योंकि कुछ दिखता नहीं है। तुम बच्चों को रोशनी मिल रही है ज्ञान का, यह साक्षी होकर बुद्धि में धारण करना चाहिए। सेकंड बाय सेकंड बेहद का सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। घड़ी का टिक टिक रुकेगा क्या? जब उसका बैटरी लो हो जाएगा तभी वो रुकेगा, फिर नया बैटरी डालना पड़ता है। उसी तरह ये सृष्टि का चक्र सतयुग से कलयुग तक का बैटरी बाबा डाल देता है, उसके बाद जैसे ही संगम आता है तो बैटरी एकदम खत्म हो जाता है, तो संगम पर फिर से नया बैटरी भरने आता है बाबा। तो एक दिन ना मिले दूसरे से, दुनिया की एक्ट बदलती रह रही है, ये नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है दुख का सीन, सुख है ही नहीं। अगर सुख है भी किसी का तो वो थोड़े समय के लिए, कुछ समय में ही दुख में बदल जाता है, बाकी दुख ही दुख है। आज देखिए कि कितने जगह का कोई मंत्री को पकड़ रहा है, कोई डॉक्टर को पकड़ रहा है, कोई पुलिस को पकड़ रहा है, कोई बड़ा बड़ा नेता लोग का बेटा बेटी लोग को पकड़ रहा, किसी को ये बीमारी नहीं छोड़ रहा है, अब हवा से ही हो रहा है। तो बाबा कह रहा कि देखो दुख का दुनिया में कितना देर सुख है, एकदम थोड़ा सा सुख, उन लोग तो लोग सोच रहा है कि बहुत ज्यादा सुख में हम लोग हैं, लेकिन एक बीमारी का इलाज नहीं निकल पा रहा, लोग कितना भी सोच रहे हैं कि इलाज निकल जाए ना, इलाज निकल जाए। तो बाबा का बात ही न सच हो रहा है कि जो वैज्ञानिक लोग बोलता था ना कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, आज हार रहा ना वैज्ञानिक लोग। देखिए सक्सेस रहेगा तभी तो बात नहीं मिलेगा ना। तो इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। बाबा कहता है कि अब क्या है, दुखों की दुनिया आ गई है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहता है कि हम जाते हैं अपने घर, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री श्री ने श्रीमद दी है ना, श्री श्री यानी श्री बाबा ने हम लोगों को ज्ञान का श्रीमद दे रहा है, फिर श्री श्री लक्ष्मी नारायण बनना है। बैरिस्टर मत देंगे तो बैरिस्टर बनेगा। अब बाप भी कहते मैं तो तुमको श्रीमत ही दूंगा ना, जिससे तुम भगवती भगवान बन जाओ। अपने से पूछो मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है, इस समय गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। भगवान से भक्ति मार्ग में बोलते थे, प्रार्थना करते थे कि भगवान मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, अब तुम भी तरस करो कि हमको गुणवान बनाओ। तरस अर्थात रहम। बाबा कहते मैं किसी पे रहम नहीं करता हूँ, रहम तो हर एक को अपने ऊपर करना है। बाबा रहम करके क्या करेगा, बच्चों पर रहम कितना भी कर दे बच्चा नहीं पढ़ेगा तो बाप क्या करेगा। तो यहाँ भी बाबा हम लोगों को ज्ञान दे रहा है, बोलता है कि मेरी श्रीमत पे चलो तो तुम अपने आप ठीक हो जाओगे, लेकिन बच्चे अब नहीं चलेंगे नहीं सुनेंगे तो बाबा क्या करेगा। इसीलिए बाबा कहता तुम अपने आप पे रहम करो। यह ड्रामा बना हुआ है, बेरहमी रावण तुमको बहुत दुख में ले जा रहा है, यह ड्रामा में नूंधा हुआ, इसमें रावण का भी दोष नहीं है। बाप आकर सिर्फ राय देते हैं, यही तो उनकी रहम है। बाबा जो राय दे रहा है, शक्ति दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, यही तो उनका कृपा है ना। बाकी है रावण राज तो फिर भी चलेगा ही, ड्रामा अनादि बना हुआ है, न रावण का दोष है न मनुष्यों का दोष है, चक्र तो फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियां बताते रहता है, रावण मत पर तुम कितना पाप आत्मा बन गए हो, अभी पुरानी दुनिया है, फिर दुनिया जरूर आगे आएगी, चक्र तो फिरेगा ना। बाबा कहता है कि अब सतयुग से जैसे कलयुग आया तो कलयुग के बाद तो सतयुग आएगा ना, ये तो रुकने वाला चीज नहीं है, तो फिर जब सतयुग आएगा तो क्यों ना हम तैयारी करके ही जाएं पूरा जब आने वाला है। तो बाबा कहता है जब आने वाला है, दुनिया बदलने वाला है, तो नई दुनिया का तैयारी करो, चक्र तो फिरेगा, रुकेगा किसी के लिए नहीं, सतयुग को फिर जरूर आना। अब यहाँ देखिए बहुत बच्चे छोड़ दिए ज्ञान को, तो छोड़ दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान तो रुका, वो तो और स्पीड पकड़ लिया। तो सतयुग में फिर अभी है संगम युग, महाभारत लड़ाई भी इस समय की कही गई है, महाभारत लड़ाई अभी स्टार्ट हो रहा, अभी पूरा हुआ नहीं है,
विनाश काले विपरीत बुद्धि विनयसंति, जो विनाश काले भगवान से किनारा पकड़ लेते हैं वो विनाश की ओर जाते, अपना ही विनाश कर देते, जन्म जन्मांतर के लिए क्या करेगा, वो रौंदा जाएगा। और जो भगवान की बात में चलेगा वो जन्म जन्मांतर के लिए पूजा जाएगा। तो अब हमारे हाथ में निर्णय है कि हम पूजने योग्य बने कि रौंदने योग्य बने। तो यह होना ही है, हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी सब होंगे नहीं। यह भी समझते हो, पवित्र हुए बगैर देवता बनना मुश्किल है, बिना पवित्र बने कोई भी बच्चा सतयुग में नहीं जाएगा। अब बाघ की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की, ऐसी मत कभी मिल ना सके, कोई भी जन्म में नहीं मिलेगा। श्रीमत देने का उनका पाठ इसी समय संगम पर होता है, और कोई में यह ज्ञान है ही नहीं, भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान ही नहीं है। बाबा कहता उनको ज्ञान नहीं कहेंगे, कितना भी भक्ति मार्ग में कोई प्रवचन कर दे लेकिन महावाक्य नहीं कहा जा सकता है, महावाक्य केवल भगवान का होता है। रूहानी ज्ञान ज्ञान का सागर रूप ही देते हैं, उनकी महिमा ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियां बताते हैं, यह ख्याल रखना चाहिए कि अभी हम फेल हुए तो कल्पांतर फेल हो जाएंगे, बहुत चोट लगती चली जाएगी हर जन्म। श्रीमत पर ना चलने से चोट लग जाती है ना, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना जरूर है। बाबा कहता कोई किसी में ताकत नहीं है कि ब्राह्मणों को रोक सके, हाँ हिलेगा डूलेगा दुनिया लेकिन डूबेगा नहीं। जैसे कि कहते हैं ना कि कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, अगर उसके अंदर लगन है वो बनकर ही रहेगा, लेकिन अगर वो पढ़ा ही नहीं तो वो क्या करेगा, अपना जीवन पूरा क्या कर देगा, कूली मजदूर के रूप में गुजारने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो बाबा कहता ये झाड़ रुकने वाला नहीं है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। बाबा कहता 33 करोड़ ही तैयार होंगे, तुमको पुरुषार्थ करना भी है और दूसरों को कराना है, सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बढ़ता चला जाएगा। तुम जानते अभी हमारा कल्याण हो रहा है, पतित पावन हमें पतित दुनिया से पावन दुनिया ले जाने का कल्याण कर रहा है, तुम बच्चों को बुद्धि का ताला भी खुला है, बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है, अभी तुम समझ रहे हो, आगे चलकर देखना कितना का ताला खुलता चला जाएगा, यह भी ड्रामा है, फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है, कौन सा संवत शुरू होता है, विक्रमाजीत संवत शुरू होता है, अभी तो विक्रम संवत है ना, विक्रमाजीत संवत शुरू होगा। दो संवत होता है जो लिखा था ना कैलेंडर, ये सब उसमें भी दो संवत होता है, एक विक्रम संवत एक विक्रमाजीत संवत, तो अभी विक्रम है और उसमें विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। तो लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते तब संवत विक्रमाजीत का शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग, कितना क्लियर है, कहानी है सत्य नारायण की, कथा है अमरनाथ की, सब कुछ अभी की है, अभी तुम सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा पार्वती बनकर सुनते हो, उनका फिर गायन चलता है कि शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। त्योहार आदि इस समय सब है, नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती, सबसे मुख्य पर्व हमारे लिए शिव जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़ता है दुनिया को चेंज करने के लिए, चित्रों को बहुत अच्छी रीति देखकर कितना पूरा किताब बना हुआ है, तुमको यह खातिरी है जिसका कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर, साक्षी ही होकर औरों को देखना भी है। बाबा कहता दूसरों को नहीं देखना, हम क्या कर रहे हैं अपने आप को देखकर आगे बढ़ाते जाना है, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हो तुम भी जानते हो, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को जानेगा ना, अब स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा वो जानेगा ना कि हम कितना पढ़ रहे हैं, एग्जाम के समय में कितना हम तैयारी किए हैं, वो तो हर बच्चा जानेगा ना, तो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानेगा क्या, दिल खाएगा उसको, हम क्यों नहीं अच्छा से पढ़ लिए, इस सब्जेक्ट में बहुत हम कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं, इम्तिहान के टाइम बहुत कच्चे होंगे, उनका दिल धड़कता रहेगा। तुम बच्चे साक्षात्कार करोगे परंतु नापास तो हो ही गए ना, क्या कर सकते हो, उस समय स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज होते हैं, टीचर भी नाराज होता है, कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए, तो समझे जाएगा कि टीचर इतना अच्छा से काम नहीं किया इसीलिए कम पास हो गया, क्या करेंगे, टीचर का भी इंसल्ट करवा दिए, बाप का भी इंसल्ट करवा दिए, पढ़ा नहीं बच्चा तो इसीलिए बाबा कहता है तुम कितनों का भी निंदा करवा दोगे अगर अच्छा से नहीं पढ़ोगे तो। तो बाबा भी जानता है ना सेंटर पर कौन कौन अच्छी टीचर है, कैसे पढ़ाती है, कौन कौन अच्छी रीति से पढ़ा कर ले आती है, बाबा कहता पढ़ाने वाले का भी नाम रोशन होता है, सब मालूम पड़ता है बाबा को। बाबा कहते बादलों को लाना है,
बादलों को लाना है, बादल मतलब जो वर्षा कर सके ऐसे बादल तैयार करना है। छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उसमें मुंह रहेगा ना, बाबा कहता है जब सेंटर पर आते हैं तो बादलों को लाना, छोटे बच्चों को नहीं लाना है क्योंकि उसमें मुंह जाएगा, वो थोड़ा सा भी कुछ बदमाशी करेगा तो ज्ञान से तो मन हट जाएगा ना, बार बार उसकी तरफ ध्यान चला जाएगा। अकेला निकल कर आना चाहिए यहाँ तो बुद्धि अच्छी रीति से मुरली में ध्यान जा सकती है। बच्चों को तो वहाँ भी देखते रहते, घर पर भी, यहाँ भी ले आते हैं तो ध्यान चला जाता है। बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बनने वाली है, नया मकान बनाते तो भी बुद्धि में रहता है ना कि हमारा नया मकान बन रहा है। धंधा आदि तो करते रहते है ना, परंतु बुद्धि नए मकान की तरफ ही रहती है, चुप कर तो नहीं बैठ जाते हैं। बाबा कहता है कि कितना भी पुराना मकान में रहे, अगर नया मकान बन रहा है तो बार बार बुद्धि लगेगा कि नहीं और अच्छा तैयार करे, थोड़ा सा और पैसा जमा करके उसमें लगाते चले जाए, और यहाँ का सामान लेना छोड़ देंगे पुराना मकान में कि नहीं सब कुछ वहीं लगाएंगे। तो बार बार काम कर रहे फिर भी ध्यान वहाँ जा रहा, उसी तरह हम लोग यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं ना तो यहाँ का आशा नहीं रखना, हमेशा क्या सोचना सत्युग में हमको पाना है। तो वह हो गई हद की बातें, यह है बेहद की बातें। हर कार्य करते हुए याद रहे कि अभी हमें घर जाकर राजधानी में जाना है, अपार खुशी में रहना कि हम देवी देवता के रूप में राज करेंगे। बाप कहते बच्चे अपने बच्चों को आदि संभाल भी करो, छोड़ना नहीं है, परंतु बुद्धि वहाँ लगी रहे। बाबा कहता बुद्धि कहाँ लगी रहे, परम धाम में, बाबा के पास, मुरली में, सब में ध्यान लगा रहे। भले परिवार है तो परिवार को देखना है, लेकिन हमारा बुद्धि रहे बाबा के पास। याद न करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकोगे, याद से पवित्र ज्ञान से कमाई मिल रही है। यहाँ तो सब पतित है ना, दो किनारे हैं। बाबा को खिवैया कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते, दो खिवैया है ना, दिखाया है ना दो नाव रहता है, तो दो खिवैया, एक परमात्मा खिवैया एक धर्म धर्मराज है। तो बाबा कहता है कि तुम किस नाव में बैठे हो, तुम चेक करो अपने आप को, परंतु लोग अर्थ नहीं समझते कि खिवैया कौन सा हुआ है। तो मेन खिवैया तो शिव बाबा जो हमें सत्युग में ले जा रहा है, तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते, आत्मा जानती हम बाप से, बाप को याद करके बहुत नजदीक चले जा रहे हैं। खिवैया नाम अर्थ सहित रखा जाता है, परमात्मा हमारी नाव का खिवैया है और हमें निश्चिंत होकर बैठना, भले नाव हिले डूले यानी परिस्थिति आए लहर आए, लेकिन परमात्मा क्या गारंटी दे रहा है, हिलेगा डूलेगा लेकिन तुम्हारा डूबेगा नहीं, इसीलिए एकदम अचल अडोल होकर बैठ जाना है। यह सब महिमा करते नहीं है, मेरी पार लगा दो, तो कब पार लगा दो, इसी समय पार लगाने की बात है ना, और कोई जन्म में तो बोलेंगे नहीं, सत्युग में ऐसे कहेंगे क्या कि भगवान आओ, वहाँ तो बहुत ज्यादा सुख रहेगा, अभी जो सुख में है वो भगवान को क्यों पुकारेंगे, बोलेंगे हम तो अभी सुख में हैं। सत्युग में नहीं कहेंगे, कलयुग में ही पुकारते आए हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को यहाँ आना नहीं है, बाप की सख्त मनाही है। जो बेसमझ है, जो बाबा का निंदा करते, बाबा कहते वैसे बच्चों को यहाँ नहीं लाना है, निश्चय नहीं तो आकर क्या करेंगे, कभी नहीं लाना चाहिए ऐसे बच्चों को, कुछ भी समझेंगे नहीं और ही निंदा कर देंगे कि यहाँ तो उल्टा पुल्टा ज्ञान दिया जाता है अगर नहीं समझे तो। तो पहले तो उसको 7 रोज का कोर्स कराओ, उसके बाद मुरली में बैठाओ। कोई को तो 2 रोज में ही तीर लग जाता है, लेकिन अच्छा लग गया फिर बोलते नहीं हमको मुरली भी सुनना है, कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे। तुम झट समझ जाओगे यह स्कूल का है, तभी तो और आगे बुद्धि बढ़ा रहा है। तेज बुद्धि जो होंगे वो कोई बात की परवाह किए बगैर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। जिसका बुद्धि तीव्र होगा ना वो क्या बोलेगा, कुछ भी हो जाए हम बाप को नहीं छोड़ेंगे, हमको करना ही है। अच्छा एक नौकरी छूट जाएगी दूसरी मिलेगी, बच्चे दिल वाले जो होते ना उनकी नौकरी आदि छूटती नहीं। बाबा कहता है, बच्चे कहते हैं ना कि क्या होगा, एक नौकरी छूटेगा बाबा की याद में कोई बात नहीं, दूसरा नौकरी हमको मिल जाएगा, लेकिन हम बाप को नहीं छोड़ेंगे। तो बाप भी क्या गारंटी देता है कि तुम्हारा नौकरी नहीं छूटेगा, तो छूटेगा अगर निश्चय बुद्धि है तो, भगवान के पास जा रहे। विदेशी लोग जब माउंट आबू आते हैं ना तो महीनों दिन की सेवा करने के लिए आते हैं, बहुत पैसा एक्स्ट्रा काम करके पैसा जमा करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है ना आने में। तो उन लोग क्या करते हैं ना, नौकरी छोड़ कर आते हैं, नौकरी अगर वहाँ 1 दिन 2 दिन मिस हो गया ना तो नौकरी पे नहीं रखते हैं विदेश में, तो एक नौकरी करके पूरा धन कमाते हैं, उसका निश्चिंत होकर यहाँ रहते हैं और उसके बाद फिर जाते हैं तो दूसरा नौकरी करते हैं। तो उन लोग जैसा क्या डबल कमाई कर रहा है ना, कितना बड़ा कमाई उन लोग करता है, तभी तो बाबा का प्यार भी बहुत उन लोगों को मिलता है। तो खुद ही बंडर खाते, बच्चियां कहती हमारे पति की बुद्धि को फेर दो,
अब जो बच्चियां निकल जाती है बांधेलियां तो बोलती बाबा मेरे पति को भी ज्ञान में लेते आओ तो दोनों मिलकर चलेंगे। बाबा कहते मुझे मत कहो ये सब बातें, क्यों नहीं कहो, तुम योग बल से रहकर ज्ञान में बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा कहता कि तुम्हारे द्वारा वो बच्चा आएगा, इसलिए तुम हिसाब किताब चुकता करो, उसे ज्ञान दो बाबा की याद में रहकर। बाबा थोड़े ही बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करेंगे कि मेरे पति को ले आओ मेरे पति को ले आओ, जो रसम निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसी को फायदा हुआ है सुना तो सब बस उसके पीछे लग पड़ते हैं। बाबा कहता ऐसा हमको नहीं करना है। बाबा कहता है कि हम तुमको ज्ञान दे रहे, तुम किसी और को दो, तुम्हारे द्वारा उसको टचिंग हो, नई नई आत्मा आती है, उनकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर बहुत सारे फ्लावर्स बन जाते हैं। तो बाबा कहता है इसीलिए इन बातों को देखना नहीं है, तुमको देखना है अपने को, हम कहाँ तक पढ़ते हैं, कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा इसमें नहीं पढ़ना, बस ये देखना है कि हम कहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं। यह तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं, बाबा भी हंसी मजाक करता है, चिट चैट करता है सबसे कि तुम करो, हालांकि बाबा भी सहयोग देता है, बाबा भी शक्ति देता है, लेकिन वो अपने आप को क्या कर लेता है, किनारा कर लेता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, और हम बच्चे थोड़ा काम करेंगे तो बोलेंगे मेरा मान सम्मान बढ़ जाए। बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, यह तो घर में भी रहकर कर सकते हो, लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान देंगे ना, यह मुख्य बात है मन मनाभाव की स्थिति में आना, साथ ही सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज को जानना। चित्र भी है ना इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है, त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, फिर यह फिर क्या है। बाबा कहता है ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ये अर्थ समझ में नहीं आता लोगों को, लोग तो सब चीज बोल देते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ समझाया तो बाबा क्या बोला कि इस समय ब्रह्मा के पुरुषार्थ से विष्णु बना, अब विष्णु के प्रारब्ध भोगने के बाद ब्रह्मा तैयार हो रहा है, प्रारब्ध भोगा ना, तो बाप बैठ समझाते यह राइट है या रॉन्ग है। मनोमय चित्र भी ढेर बनाते रहते हैं, कोई कोई शास्त्र में चक्र भी दिखा देते हैं, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी है, कोई ना कितनी, अनेक मत मतांतर हो गया, शास्त्रों में हद की बातें लिख दी हैं। बाप बेहद की बात अभी समझा रहा कि सारी दुनिया में अभी रावण राज है, यह तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान, हम कैसे पतित बने हैं, कैसे पावन बन रहे हैं, पीछे और धर्म कैसे आते हैं, अनेक वैरायटी कैसे आती है, एक न मिले दूसरे से, सारा राज बाबा समझा रहा है, एक जैसे फीचर वाले दो हो न सके। बाबा कहता है एक का रूप रंग दूसरे से मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता, आवाज तक नहीं मिलता किसी का। तो बाबा कहता देखो कैसा है यहाँ का, एक जैसे फीचर वाले दो हो ना सके, ये बना बनाया खेल जो रिपीट हो रहा है। बाप बच्चों को बैठ समझाते, टाइम थोड़ा सा बचा हुआ अब, इसलिए अपनी जांच करते हुए चलो, हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं, हमको कोई विकर्म नहीं करना है, ये अंदर में करना है, तूफान तो आएंगे, बहुत तूफान आएंगे। बाप समझाते बच्चे अंतर्मुखी होकर चाट रखते चलो, भूल होती है पश्चाताप करोगे बहुत, जैसे जैसे योग बल से अपने आप को माफ करते चलोगे आगे बढ़ते जाओगे। बाबा कोई क्षमा आदि नहीं करता, माफ नहीं करता, खुद को क्षमा करते हुए आगे बढ़ाते चलो, ड्रामा में क्षमा अक्षर नहीं है। बाबा कहता संगम युग में ड्रामा अक्षर में माफी नाम का कोई भी चीज नहीं है, इसलिए खुद को क्या करना, अगर गलती हुआ है चेक करना है, उसको सुधारना है, ना कि उसमें फंस जाना, बाबा हमसे गलती हो गया गलती हो गया, गलती होने से क्या होगा, उसको सुधारेंगे बस ठीक हो गया। तुमको अपनी मेहनत करनी है, पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते है ना, भगवान इसमें क्या करेगा, क्षमा की बात तो है नहीं। बाप कहते हैं हर बात में मेहनत करो, बाप बैठ युक्ति बताते आत्माओं को, बाप को बुलाते हैं पुराने रावण राज्य में, देश में आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि भगवान आकर कैसे आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनाएगा। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय अभी बन रहे हो, पुरुषार्थ भी बच्चे नंबर वार करते हैं, फिर कह देते इनकी तकदीर में ही है। बाबा क्या बच्चे क्या बोलते, इनका तकदीर में आगे बढ़ने का था इसलिए बढ़ गया, मेरी तकदीर में नहीं, हम नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये कहना राइट है या रॉन्ग है। रॉन्ग है ना, क्योंकि बाबा कहता सबको तो मौका दे रहे, सबको एक जैसा ही मुरली चला रहे हैं, ये तो नहीं कि पर्सनल किसी को टीचर, यहाँ तो देखते ना भले कितना भी स्कूल में पढ़े अलग अलग टीचर रख देते कि चलो ट्यूशन से अलग अच्छा से पढ़े, लेकिन यहाँ तो ट्यूशन नहीं दे रहा किसी को, बस टीचर बनकर पढ़ा रहा, अब कोई आगे निकल रहा कोई पीछे, ये तो बच्चों पर डिपेंड कर रहा ना।
तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे, इसलिए इस जन्म को पूरा तैयारी करके जाना, अपने को घाटे में नहीं डालो, क्योंकि अभी ही जमा किया हुआ है, फिर घाटे में चले जाओगे तो पूरा जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ेगा। हर जन्म में क्या होगा, हार देखने को मिलेगा। अगर इस जन्म में हार होता है तो जन्म जन्मांतर के लिए हार होगा, अगर इस जन्म में हम विजयी होते तो जन्म जन्मांतर के लिए हम विजयी रहेंगे। भले उस समय याद ना रहे, रहेंगे तो विजयी, वो सुख तो भोगेंगे ना। अभी दुख हो रहा है तो पता चल रहा है कि हम दुख क्यों भोग रहे हैं, तो इसीलिए ये जमा करना। जब परमात्मा कह रहा है रावण राज में कितना घाटा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, अंतर्मुखी बनकर अपनी जांच करो, जो भी भूले होती है उनको दिल से पश्चाताप करके योग बल से अपने आप को माफ करो और मेहनत करो कि दोबारा हमसे ये गलती ना हो। बाप की जो राय मिलती है उसे पूरा पूरा फॉलो करो, अपने ऊपर रहम करो कि हम नहीं, अब ये गलती हमसे नहीं होना चाहिए। साक्षी होकर अपने को देखो और दूसरे को पुरुषार्थ को देखना है कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है, हमें भी आगे बढ़ना है। जेलसी फील नहीं करना कि जय वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया, नहीं, वो आगे बढ़ गया उसके अनुभव से हमको भी आगे बढ़ना है। कभी भी अपने आप को घाटा में नहीं डालो, वरदान है। निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने में लग जाओ, क्योंकि सारा खजाने के अधिकारी हमको अभी से बनना है। कौन सा खजाना, स्थूल धन नहीं, जितना ज्ञान का खजाना यहाँ जमा होगा वहाँ स्थूल खजाने के मालिक बनेंगे, धन का खजाने के मालिक बनेंगे। जितना हम शांति में रहेंगे उतना हम वहाँ पर सुख भोगेंगे, तो हर एक चीज यहाँ पर तैयारी करना है। तो इसीलिए बाबा कहता है निरंतर याद द्वारा कदम कदम पे कमाई जमा करते रहो। कौन सी कमाई जमा करना है, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्ति, इन सब खजानों के अधिकारी का अनुभव अभी करो, अभी नहीं करेंगे। बहुत बच्चे सोचते हैं ना चलो सत्युग में करेंगे, यहाँ दुख हो रहा तो होने सही, नहीं, यहीं पर हम लोगों को अनुभव करके जाना है। कोई कष्ट अनुभव नहीं होना चाहिए यहाँ संगम पर, ब्राह्मणों को कोई कष्ट नहीं हो सकता है। अगर आप कष्ट का अनुभव कर रहे हैं तो कोई ना कोई चीज की अंदर में कमी है, अगर कमी नहीं होगा ना तो आप हर हाल में सुखी रहेंगे। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए आता है, जैसे गुलाब के पुष्प के साथ काटा उसके बचाव का साधन होता है। काटा क्या करता है, गुलाब को बचाता है कि बिगाड़ता है, बचाता है, कैसे? हाँ, गुलाब को अगर काटा ना रहे ना तो जल्दी से तोड़ने की कोशिश करेगा तो गुलाब का सारा पत्ता झड़ जाएगा, लेकिन काटो के डर से वो गुलाब को धीरे से तोड़ेगा अपने आप को सेव करने के चलते। तो क्या किया, काटा गुलाब को सेव किया। तो अगर कोई परिस्थिति आता है ना तो हमें सेफ्टी के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है, तो यही सोचे। यह तकलीफ नहीं, तूफान भी तोहफा बनकर आता है, तो बाप की याद दिलाने के निमित्त बन जाता है। इसलिए तूफान को भी क्या बना ले, तोहफा बना ले। स्लोगन है स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। स्नेह का तो अनुभव सब सुनाते हैं, नहीं बाबा के ज्ञान में आने से बाबा हमको बहुत सहयोग दिया, बाबा बहुत प्यार दिया, अब आपके शक्ति स्वरूप का अनुभव सुनाना है कि आप शक्ति स्वरूप होके कैसे परिस्थितियों को पार किए, कोई हलचल तो नहीं आया ना, ये अब सुना।